सो हे गाइस, फाइनली अब हम आ चुके हैं तुम्हारे नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ, नए शुरुआत के साथ। तो आप तो मेरे ख्याल से सोच रहे होंगे कि कहाँ पर हूँ मैं फिलहाल। तो चिल, अब मैं फिलहाल हेगड़े नगर में हूँ। एक्चुअली आया था कुछ शूज़ के काम से, शूज़ हम लोग को लेना था, लेकिन यहाँ पे बजट फ्रेंडली ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सडनली हम लोग का प्लान चेंज हुआ कि संडे बाज़ार जाने का। तो इस बात पर मैं सोचा कि अगर संडे बाज़ार हम लोग जा ही रहे हैं तो क्यों ना एक स्पेशल ब्लॉग बनाते हुए चले। तो सडनली मैं अभी फ़िलहाल, आप पीछे देख रहे होंगे, मैं फ़िलहाल अभी हेगड़े नगर में हूँ और वहाँ से मैं शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग का सफ़र शुरू होता है संडे बाज़ार की तरफ। चलिए देखते हैं अब क्या क्या होता है इस बीच में। उम्मीद है आज का दिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होगा। चलिए अब बढ़ते हैं सीधा संडे बाज़ार की तरफ। हम लोग कमर्शियल स्ट्रीट पर आ चुके हैं। तो पीछे आप जैसे देख रहे होंगे पूरा एरिया बाजार से भरा हुआ है और आगे वाला एरिया भी। तो गाइस अभी हम लोग फिलहाल घूम लिए, दो तीन दुकान देख ली, जिसमें से एक चश्मा भी पसंद आया, चश्मा में लिए हैं। अब जूता देखना है, कपड़ा देखना है और भी बहुत कुछ। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या मिलता है यहाँ पर। फाइनली गाइस मिल गया हम लोग को अपना शूज। तो भैया कितना मजा आया? बहुत ज्यादा, बताऊंगा नहीं लेकिन खुशी हो रही है अंदर से बहुत ही। हम लोग को दिखाऊंगा नहीं लेकिन मन पसंद जो शूज चाहिए था वो मिल गया फाइनली, और रेट भी अच्छा खासा लगा है। तो अब चलते हैं सीधा घूम घुमाई करने, उसके बाद देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। देख रहे हैं वैसे बहुत नया नया चीज़ मिल रहा है और रेट भी अच्छा है, संडे बाजार की खासियत। बस करो बस करो, रहा नहीं जाता तरफ ये सी है, समझ सकता हूँ। पर अभी फिलहाल शॉपिंग पे ध्यान देते हैं। ये वही है ना? हाँ वही है, जहाँ से हम लोग चश्मे लिए थे पीछे वाला। तो चलिए तो चलिए अब पढ़ते हैं सीधा घूमने की तरफ और देखते हैं और क्या क्या चीज़ हम लोग खरीद सकते हैं यहाँ पे।
गाइस हम लोगों ने इत्र भी ले लिया है और इत्र बहुत बहुत ही अंडर बजट था, तो आराम से आओ लोग। गाइस मैं पर्सनल रिकमेंडेशन देता हूँ, आओ कमर्शियल स्ट्रीट में घूमो, संडे बाजार से जो लेना है वो लो और मज़े करो। आप लोग को रिग्रेट नहीं होगा कि हम लोग यहाँ से कुछ गलत खरीदे। तो आइए हमारे भैया से पूछते हैं कि उनको कितना मज़ा आया। तो भाई जान बताओ कि आज कितना मज़ा आया? हमेशा की तरह इतना मज़ा आया, इतना ज़्यादा मज़ा आया। तो क्या बोलना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को कि क्या ऐसा कमर्शियल स्ट्रीट में पैदल पैदल ही घर जाना है क्या? गाड़ी तो पीछे रह गया, यही बोलना था। नहीं वो हमारे लिए है, व्यूअर्स के लिए क्या बोलना चाहोगे? जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं हमेशा की तरह कुछ नहीं बोलूँगा। चलो अच्छा है, मैं जाओ फिर। तो गाइस ये था आज का हमारा दिन चाय के साथ। चलो खत्म करते हैं, खत्म करेंगे हम लोग चाय के साथ। चलो चलते हैं, बाय बाय। सो फाइनली गाइस हम लोग का शॉपिंग और चाय पीना भी हो गया, तो चलिए चलते हैं अब सीधे घर के तरफ। डेढ़ दो सौ का चुना भी लगा दिए, 150 रुपया देगा रे बाबा। तो गाइस चलिए अब पढ़ते हैं सीधा अपने घर की तरफ और इस ब्लॉग को फिलहाल ये भी खत्म करते हैं, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं रात ज़्यादा हो गई है और घर पहुँचने में भी टाइम लग जाएगी। तो bye bye, take care, sayonara. You give me my new shine. Shake your body, baby girl, make it go side to side. Earthquake, earthquake, whoa, you blow my mind. Hands are going left and those hips are going right. People do the dance while skizzy freestyle.